जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल पर। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे रेलवे की तरफ से आ चुकी 2024 के लिए नई भर्तियों के बारे में, जहां पर आप सभी के लिए भर्तियों के नोटिफिकेशन और आवेदन करने के लिए लिंक भी एक्टिवेट कर दिए गए हैं। आप सभी आने वाली 15 अक्टूबर 2024 तक घर बैठे अपने मोबाइल फ़ोन के माध्यम से ऑनलाइन तरीके से आवेदन कर पाएंगे। इस वीडियो में आगे आपको आवेदन करने की कंप्लीट प्रोसेस और नोटिफिकेशन में कौन कौन सी जानकारी इम्पोर्टेंट है उसके बारे में डिटेल इन्फॉर्मेशन मिलने वाली है। रेलवे की तरफ से सीधी भर्ती इसलिए कहा जाता है क्योंकि यहाँ पर कोई भी एग्ज़ाम आपको नहीं देना होगा, ना ही किसी भी तरह का आपका इंटरव्यू होगा। सीधी भर्ती है, यानी कि मेरिट के आधार पर आपका सिलेक्शन चयन होने वाला है। टोटल इस बार आपको 1669 पदों पर भर्तियों के नोटिफिकेशन मिलेंगे। 10th पास जॉब, यानी अगर आप लोग कक्षा 10वीं पास है तो आप सभी एलिजिबल हैं आवेदन करने के लिए। कंप्लीट नोटिफिकेशन आ चुके हैं। 15 से लेकर के 29 साल का कोई भी कैंडिडेट, चाहे वो मेल हो चाहे फीमेल हो, चाहे वो किसी भी स्टेट का हो, आवेदन कर सकता है। अप्लीकेशन फ़ीस के बारे में आगे बात करेंगे। स्टाइपेंड और सैलरी के बारे में भी जानकारी आपको इसी वीडियो में मिलने वाली है। आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, वीडियो को बिना कहीं स्किप किए आखिरी तक देखें, और अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और आगे आने वाली वीडियो की अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑन करना बिल्कुल भी मिस मत करिएगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, आपको आवेदन करने का नोटिफिकेशन डाउनलोड करने का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन और साथ ही साथ कमेंट बॉक्स में दिया गया, क्लिक करके इस पेज पे आ सकते हैं। सबसे पहला काम आपको करना है, व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन करेंगे, साथ ही साथ व्हाट्सएप चैनल और टेलीग्राम ग्रुप को भी जरूर से ज्वाइन कर लें। यहाँ पर देख सकते हैं RRC नॉर्थन रेलवे की तरफ से रिक्वायरमेंट है 2024 के लिए। अधिक जानकारी के लिए naukrikhabar.com गूगल पे टाइप कर सकते हैं। साथ ही साथ आपको हमारी एक नई वेबसाइट है sarkarijob.net, इसका भी लिंक मिल जाएगा। या गूगल पे टाइप करें सरकारी जॉब, उसके बाद .net आपको हमारी वेबसाइट मिलेगी। यहाँ पर भी आपको सभी जॉब्स के अपडेट देखने को मिलेंगी। इम्पोर्टेंट डेट्स के बारे में बात करें तो 16 सितंबर 2024 से आवेदन शुरू हो चुके हैं, जिसकी आखिरी डेट आने वाली 15 अक्टूबर 2024 की है। आपको दिए गए समय में आवेदन जरूर से कर देना है। अप्लीकेशन फ़ीस यहां पे जनरल OBC CWS कैंडिडेट को 100 रुपये पे करना होगा। बाकी सभी कैंडिडेट, चाहे किसी भी स्टेट या किसी भी जेंडर से आते हों, किसी भी कम्युनिटी कास्ट से आते हों, यहाँ पर बिल्कुल फ्री में आवेदन कर सकते हैं। इसके बाद हम बात करते हैं उम्र के बारे में। आपकी उम्र कम से कम 15 साल की और अधिक से अधिक 29 साल तक अलाउ की गई है। इसके बाद यहाँ पे आपकी वैकेंसी डिटेल है। टोटल नंबर ऑफ वैकेंसियों के बारे में बात करें तो 1669 यानी 1669 पदों पर भर्तियों के नोटिफिकेशन आउट किए गए हैं। यहाँ पे आपको अप्रेंटिस की वैकेंसी मिलेगी, जिसके लिए क्वालिफिकेशन 10th पास है। एडिशनल क्वालिफिकेशन के बारे में आपको आगे जानकारी दी जाएगी। ऑल इंडिया लेवल की जॉब है, मेल फीमेल दोनों इसके लिए एलिजिबल हैं। टूडे टॉप जॉब लिस्ट के बारे में बात करें तो आज की नई नौकरियों की जानकारी यहाँ पर दे दी गई है। आप लोग चाहें तो अपने क्वालिफिकेशन के बेसिस पे या फिर अपने गवर्नमेंट डिपार्टमेंट के बेसिस पे जॉब्स की जानकारी ले सकते हैं। इसके लिए आपको क्लिकर की बटन पे क्लिक करना है और जिस भी जॉब के लिए एलिजिबल और इंटरेस्टेड होते हैं आवेदन भी कर सकते हैं। स्टाइपेंड आपको आगे पता लगेगा और जो सिलेक्शन है वो मेरिट के बेसिस पर होगा, बिना किसी एग्ज़ाम, और साथ ही साथ यहाँ पे आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और मेडिकल एग्ज़ाम जरूर से होना है। इसके बाद कैसे आप लोग आवेदन कर सकते हैं उसकी कंप्लीट इन्फॉर्मेशन है। साथ ही साथ आपको यहाँ पर यूज़फुल इंपॉर्टेंट लिंक का सेक्शन मिलेगा, जहाँ पे आपको आवेदन करने का और नोटिफिकेशन डाउनलोड करने का लिंक दिया गया है। एक बार हम नोटिफिकेशन को डाउनलोड करते हैं यहाँ पर क्लिकर की बटन पर क्लिक करके। जैसे हम लोग यहाँ पर क्लिक करते हैं, हमारे सामने एक नोटिफिकेशन PDF की सहायता से ओपन हो जाता है। अभी आप लोग देख सकते हैं रेलवे रिक्रूटमेंट सेल, और यहाँ पे नॉर्थ सेंट्रल रेलवे है। ओपनिंग डेट यहाँ पे 16/9 यानी 16 सितंबर की है। क्लोजिंग डेट जो है तो 15/10/2024 यानी कि 15 अक्टूबर की है। इसके बाद इम्पोर्टेंट्स में कुछ यहाँ पे चीज़ें दी गई हैं, इनको आप लोग रीड कर सकते हैं। इसके बाद यहाँ से अगर आप नीचे आते हैं तो आपको ये भी बताया गया कि जो आपका डायरेक्ट रिक्वायरमेंट है वो यहाँ पर अगर होता लेवल 1 में, तो यहाँ पर जो है तो कोर्स कम्प्लीट होने के बाद 18,000 से 56,900 रुपये तक आपको दिया जाएगा। 1679 पदों पर ये भर्ती है। इसके बाद यहाँ से नीचे आते हैं तो यहाँ पे एलिजिबिलिटी कंडीशन है, जहाँ पे आपको बताया गया कम से कम उम्र 15 साल और अधिक से अधिक 24 साल की होनी चाहिए। छूट 5 साल का मिलेगा, तो 24 और 5 29 होता है।
इसके बाद यहाँ पे आपको अगर पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट हैं तो 10 सालों की छूट भी देखने को मिलती है। इसके बाद आपकी डेट ऑफ बर्थ क्या होनी चाहिए, कौन सी कैटेगरी के अंदर, ये भी आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं। देन यहाँ से नीचे आते हैं तो आपके क्वालिफिकेशन की जानकारी, जहाँ पे आपको ट्रेड्स के बारे में जानकारी देखने को मिलेगी। काफ़ी अलग अलग टाइप्स की यहाँ पे ट्रेड्स हैं, जिसके अंदर स्टेनोग्राफर, हिंदी, इंग्लिश, ड्राफ्ट्समैन, क्रेन और यहाँ पे भी कई सारी पोस्टें हैं। यहाँ पे अगर आप लोग देखते हैं कैसे आवेदन करना, उसके बारे में भी जानकारी दी गई है और साथ ही साथ ये भी बताया गया कि एप्लीकेशन फ़ीस कौन सी कैटेगरी को देना होगा। तो यहाँ पर जो SC ST PWD और महिला कैंडिडेट हैं किसी भी कास्ट से, तो उनको बिल्कुल फ्री है। और जो इसके अलावा बचते हैं जैसे जनरल, OBC और EWS मेल कैटेगरी, इनको 100 रुपये पे करने पड़ेंगे। मेडिकल फिटनेस और फिजिकल स्टैंडर्ड के बारे में भी जानकारी यहां पर दी गई है, इसको मैच कर लें एक बार आवेदन करने से पहले, इम्पोर्टेंट है। और जो आपका सिलेक्शन, इसके अंदर एक बहुत अच्छा पॉइंट आपके लिए यहाँ पर दिया गया है, इसको आप लोग देखिएगा कि देयर विल बी नो रिटन टेस्ट और वाइवा। इसका मतलब ये हुआ कि कोई भी एग्ज़ाम या फिर कोई भी इंटरव्यू आपका नहीं होना है। यहाँ पे कैलकुलेशन मार्क, यानी कि जो आपकी मेरिट जनरेट की जाएगी ऑटोमेटिक, उसको कैसे बनाया जाएगा उसके बारे में जानकारी है। और इसके नीचे आते हैं तो ट्रेनिंग पीरियड और स्टाइपेंड भी बताया गया है। मोड ऑफ एप्लीकेशन के अंदर वही आवेदन करने की पूरी प्रोसेस है। एक बार आवेदन कैसे करना है इसके बारे में देखते हैं। इसके लिए हमको naukrikhabar.com पे आना होगा और अप्लाई वाले लिंक पे क्लिक करना होगा। तो यहाँ पे आने के बाद आपको अप्लाई ऑनलाइन के सामने जो क्लिकर की बटन है, इस पर एक बार क्लिक करना है। क्लिक करने के साथ आपके पास यहाँ पे नॉर्थ सेंट्रल रेलवे का पेज ओपन होगा, RRC रेलवे रिक्वायरमेंट सेल, और यहाँ पे कैंडिडेट मेन पोर्टल है। अब यहीं से आपको आवेदन करना होगा, जिसकी डेट्स वगैरह यहाँ पे दी गई हैं। आप चाहें तो नोटिफिकेशन को भी यहीं से डाउनलोड कर सकते हैं, जिसकी आखिरी डेट है 15/10/2024 यानी 15 अक्टूबर की। यहाँ पे स्टेप वन है रजिस्ट्रेशन का। आप लोगों ने अगर लॉगिन किया है, मतलब रजिस्ट्रेशन ऑलरेडी है, तो लॉगिन कर सकते हैं। इसके लिए कैंडिडेट रजिस्ट्रेशन और पासवर्ड की आवश्यकता होगी और इस कोड को यहाँ पर आपको डाल के लॉगिन कर लेना है। जैसे 9 में 5 जोड़ते हैं तो 14 होता है, इसको डाल के यहाँ पे लॉगिन कर लेंगे। इसके अलावा अगर कोई सहायता चाहिए तो आप लोग वीडियो को लाइक करें। इस वीडियो को 200 लाइक का टारगेट रखते हैं। कंप्लीट करते ही ऑनलाइन आवेदन करने की वीडियो आपको मिल जाएगी। मिलते हैं अगली वीडियो के साथ नेक्स्ट अपडेट में। तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद।